नेक्स्ट फटाफट क्वेश्चन करो, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज बाय 2%, अगर एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ मैं 2% बढ़ाता हूं, ध्यान देना टाइम पीरियड कितना परसेंट बढ़ेगा या घटेगा। अब देखो एक बच्चा है ये, देखो हम जब मैं इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। परसेंटेज निकालने के दो तरीके हैं, एक है जो ट्रेडिशनल मेथड है जो 9th में हम पढ़ते थे, पहले निकालो बाद में निकालो फिर घटाओ, तो वो तो एक यूनिवर्सल फंड है, उसको तो हम कहीं भी लगा सकते हो। लेकिन अगर परसेंटेज बहुत ही कम है, 2 से 4-5% के आसपास वेरिएशन होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं पूरे फिजिक्स में एरर वाला कॉन्सेप्ट से आप बहुत आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हो। तो अभी मैं कौन वाला यूज करूंगा बोलो, एरर का कॉन्सेप्ट जिसमें जो परसेंटेज है वो 2% है। तो आप एरर में पढ़ के आए होंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πL/Z, एक्चुअली इसको कैलकुलस मेथड बोलते हैं। तो डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू, देखो अब बाकी सारी चीज कॉन्स्टेंट है, 2π कॉन्स्टेंट है, जी कॉन्स्टेंट है, तो एल अंडर रूट को 1/2 डेल्टा एल अपन एल, डेल्टा एल अपन एल, और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे परसेंटेज दे देगा। तो डेल्टा एल जो परसेंटेज है, अब देखो लेंथ इंक्रीज करोगे, लेंथ इंक्रीज का क्या मतलब होता है, डेल्टा एल अपन एल मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 2%, ये वैल्यू दी हुई है यार, तो इसको मैं ले जाके यहां रखूंगा, तो 1/2 एक बार इसको अच्छे से थोड़ा मैं आपको हिसाब सब लिख देता हूं। देखो तो ये पावर है एल की पावर है, तो 1/2 और डेल्टा एल अपन एल और मल्टीप्लाइड बाई 100, और इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी 2% है, तो 2 × 2 दैट इज 1%। अब देखो कॉमन सेंस की बात है कि जो टाइम पीरियड 1% अब बड़ा होगा कि घटा होगा, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब लेंथ क्या हुआ है बोलो, लेंथ इंक्रीज हुआ है 2%, तो टाइम पीरियड भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ होगा कितना, देखो यहाँ वैल्यू 1%, तो इंक्रीज बाई 1% दैट इज फर्स्ट ऑप्शन।